हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम मध्य प्रदेश के चंबल नदी में विराजमान माँ जोगिनी माँ का लाइव नज़र आपको दिखाएंगे। देखिए, माता का दरबार भी चंबल नदी में बना है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी मनोकामना मानते हैं वो मनोकामना माँ के दरबार में पूरी होती है। माँ का दरबार चंबल नदी के बीच में बना है। बरसात के दिनों में बहुत ही मनमोहक आकर्षक नज़ारा यहाँ देखने लायक होता है। माँ का दरबार बहुत ही सुंदर है, जो बीच चंबल नदी में बना है। मान्यता है कि जो भी यहाँ माँ के दरबार में आके अपनी मनोकामना करे वो मनोकामना उनकी पूरी होती है। देखिए, बीच नदी में विराजमान माँ की प्रतिमा का एक अलौकिक नज़ारा। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, बताएंगे आपको पूरा नज़ारा। हमारी ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखे। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप केवल चैनल को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, इतना कुछ तो आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। देखिए, बीच चंबल नदी में नदी पूरे वेग से बह रही है और नदी के बीच में बना माँ का दरबार। बरसात के दिनों में बहुत ही अलौकिक नज़ारा माँ के दरबार में। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। विशेष तौर पर रविवार को यहाँ भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। अभी माँ का दरबार नदी से ऊपर भी एक विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये देखिए, नदी के बीच में बना माँ का दरबार। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नदी पूरे वेग से बह रही है। यहाँ पर आकर जो भी मैया के दरबार में अपनी मनोकामना करे वो मनोकामना उनकी पूरी होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बताएंगे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए। माँ का दरबार बीच चंबल नदी में बहुत ही मनमोहक नज़ारा। चंबल नदी का वेग भी देख सकते हैं आप। बहुत ही अलौकिक दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। गाइस, ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में चंबल नदी में बना हुआ है। यह राजस्थान से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर के नदी के उस पार भी एक मंदिर है, जो बरसात के दिनों में इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं, उस पार के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। कितना अलौकिक नज़ारा मंदिर का। गाइस, जो भी एक बार मंदिर में माँ के दरबार में आता है उसे बार बार यहाँ आने की इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ देखने लायक है। बीच चंबल नदी में चारों ओर नदी के बीच में गिरा हुआ ये मंदिर। माता रानी का अलौकिक दृश्य, माँ जोगिनी माँ का दरबार बीच चंबल नदी में है। इस नदी में गर्मी के दिनों में भी पानी रहता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ देखने लायक अच्छा है, पर विशेष तौर पर बरसात में चारों तरफ हरियाली, नदी में पानी, देखने लायक नज़ारा बनता है। गाइस,
आप भी आए तो रतलाम मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी में माँ का दरबार। बहुत ही अलौकिक प्रतिमा माँ की। ये देख सकते हैं बीच नदी के अंदर माँ का दरबार, लोग दर्शन कर रहे हैं मैया के। माता रानी उनकी हर इच्छा पूरी करती है। यह मंदिर जोगनिया माँ के नाम से प्रसिद्ध है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। आपको बता रहे हैं मंदिर का पूरा दृश्य, पूरा नज़ारा। मंदिर में पास से भी आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे, मंदिर में दूर से भी दिखाएंगे, और श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही सुंदर नज़ारा। बीच चंबल नदी में बना, काफ़ी प्राचीन मंदिर होने से यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में लोग अपनी कुछ मन्नत करते हैं मन में, और उनकी वो मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ आकर अपनी इच्छा अनुसार अपनी मन्नत यहाँ चढ़ाते हैं। हम भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, राजस्थान से आया यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा है। नदी में विराजित माता रानी की प्रतिमा बहुत ही अलौकिक है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हर रोग दोष दूर होते हैं। माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी कर देती है। ये देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा मंदिर में। इस नदी में वर्ष के 12 ही महीने पानी रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं इतने पानी के बीच में भी लोग दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के चरणों में अपने धोख दे रहे हैं, अपनी मनोकामना मन में इच्छा की अपनी मन्नत यहाँ पूरी करने आते हैं लोग। मन में कुछ भी मनोकामना यहाँ से लेके जाते हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर में बीच नदी के अंदर ही माता रानी के दरबार से कुछ दूरी बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर नारियल प्रसाद और खिलौने, घरेलू सामान जैसे सब सामान मिलता है। गाइस यह दूर से हमने लिया है मंदिर का नज़ारा, बीच चंबल नदी में बहुत ही अलौकिक नज़ारा। देख सकते हैं नदी में चारों तरफ से, बहुत दूर से हमने शूट किया है इस चीज़ को। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही वहाँ तक नदी ही फैली हुई है, और ये माता रानी का दरबार बीच चंबल नदी में दूर से बहुत ही अलौकिक दृश्य। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।